राजधानी दिल्ली से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां कर्ज से परेशान होकर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। मामला दिल्ली के पहाड़गंज इलाके का है, जहां 42 वर्षीय गोपाल एक होमगार्ड की नौकरी करता था, जिसने बुधवार शाम कर्ज से परेशान होकर खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि गोपाल को कनॉट प्लेस में एक दुकान खरीदनी थी, जिसके लिए वो उमेश नाम के एक शख्स के संपर्क में आया और उसी के कहने पर 55 लाख का कर्ज लेकर रिश्वत दी। 55 लाख रुपए लेते ही वो शख्स रफू चक्कर हो गया। बाद में जब गोपाल को इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है, वहीं उस पर 55 लाख का कर्ज भी हो गया है, जिससे परेशान होकर उसने खुद को गोली मार ली। पैसे लिए होंगे लगभग 55 लाख रुपया। अभी तक मैंने तमाशे से लेके दिया, हमें ये बोलता था 2 दिन में हो जाएगी दुकान, 2 महीने में हो जाएगी। हम मेरा अगली 2018 मई से चल रहा है। किसने लिए थे पैसे? उमेश ने। कौन है वो उमेश? वो बीच में दलाल है, NDMC में दुकान का है। फिर हमसे पैसे लेके वो हमको बोलता आज दूंगा कल दूंगा। हमने दुनिया से ब्याज पे पैसा लिया था, हमारा ब्याज बढ़ता चला गया। हमने बोला भाई हमें दुकान दे दे, आज नहीं कल। उसकी मम्मी ने बोला अगर तुम हमारे पास आओगे तो तुम्हारा भी नाम लिखाएंगे। बहन ने जो उससे बात करी थी वो उस फोन में, जो उनका फोन है ना, उसमें रिकॉर्डिंग है सारी बात। किस समय की घटना है, किस समय गोली मारी, क्या हुआ? मैं उस समय खाना बनाने ऊपर गई। आप कहाँ पे थी खाना बनाने? ऊपर वाली किचन। उन्होंने कहाँ गोली मारी? सामने। बराबर। बाबूजी मेरा बच्चे के लिए हम कर रहे थे, हमारा बच्चा अपंग है, हम सोचे हो जाएगा तो बच्चे की हम अपने बच्चे की परवरिश करेंगे, थोड़ा उसको ठीक कराएंगे। मेरा कोई नहीं है, मेरा एक ही बच्चा मासूम। बताया जा रहा है कि गोपाल पहले होमगार्ड में काम करता था, फिर उसने पैसे इकट्ठे करके गन का लाइसेंस लिया और एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा। वहीं उसे वो उमेश नाम का ठग मिला था। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर उमेश नाम के शख्स की तलाश शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली।